सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि बीते दिनों यहां के जायंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा में ग्रुप के नए बने प्रधान श्री मुनीश डेरा की ताजपोशी के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। वह इस समारोह में ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री ने बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की थी। समारोह के दौरान जब मुख्य मेहमान श्री नरेंद्र शास्त्री जी द्वारा मंच से जायंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में जायंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा के पदाधिकारियों से यहां की मिर्च मंडी में बीमारियों संबंधी एक विशेष कैंप लगाने की अपील की गई थी, जिस पर जायंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा के पदाधिकारी जिनमें विशेष तौर पर ग्रुप के प्रधान श्री मनीष डेरा, डायरेक्टर प्रदीप नंदा, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस रमेश पावा, PRO रविंदर सेठी, डायरेक्टर दीपक असीजा, अशोक तनेजा, यूनिट डायरेक्टर जितेंद्र नाटी ने श्री नरेंद्र शास्त्री जी की बात पर तुरंत कार्रवाई करते हुए यहां की मिर्च मंडी में बच्चों की बीमारियों का विशेष कैंप प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री संदीप कमल की देखरेख में आयोजित कर दिया, जिसमें ग्रुप द्वारा श्री नरेंद्र शास्त्री को ही उक्त कैंप में बतौर मुख्य मेहमान बनाकर यह महान कार्य की शुरुआत उनके हाथों से करवाई गई, जिसमें बच्चों की जांच करने पहुंचे डॉक्टर सन्नी नारंग, डॉक्टर नवदीप वालिया ने अपनी टीम के साथ बच्चों की बीमारियों की मुफ्त जांच की व मौके पर ही उन्हें दवाइयां आदि भी ग्रुप की ओर से दी गई। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि जायंट्स ग्रुप में रखी गई ताजपोशी वाले दिन श्री नरेंद्र शास्त्री ने जायंट्स ग्रुप के पदाधिकारियों से क्या अपील की थी। बच्चे बदहाली का शिकार, वहाँ पे पल्स पोलियो था, जो उनको पल्स पिलाने थी वहां पे पहुंचे उनके माँ बाप उनको लेके, तो मेरे मन में ये बात रही कि सभी कला हम सभी काम करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, हड्डियों कैंप लगा देते हैं, कभी हार्ट का लगा दिया, कभी किसी का लगा दिया। बच्चों जो छोटे बच्चे हैं सलम बस्तियों में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, वहां पे मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा कैंप लगाया जाए कि बच्चों के डॉक्टर उन बच्चों को चेक करें, तो मैं समझता हूं काफी बच्चों को जो आने वाली बीमारियों से ग्रस्त होने जा रहे हैं उनको बचाया जा सकता है, उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर हम एक दिन पूरा लगा लें, मेरे ख्याल में 300-400 बच्चे वहां पे हम उसको उनको जो चेक कर सकते हैं, उनका ब्लड चेक करा सकते हैं। ऐसी बहुत बस्ती है, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वहां पे ले जाके सारा कुछ दिखा सकता हूँ कि वहां पे कितनी जरूरत है। आपके दिमाग में कैसी भी कोई सुझाव आए, क्योंकि आपका भी अपना व्यू हो सकता है, देखिए आपको भी एरिया का भी होना चाहिए। मैंने एक तरफ आपका ध्यान दिया है, एक कुपोषित बच्चों को फेस करना और उनका इलाज कराना। आपने सुना कि श्री नरेंद्र शास्त्री जी द्वारा जायंट्स ग्रुप को अपील की गई थी कि मिर्च मंडी में बच्चों के लिए एक विशेष कैंप लगना चाहिए, और ग्रुप द्वारा साथ की साथ ही उनकी बात मानते हुए ऐसे कैंप लगाना जायंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा के लिए एक महान कार्य है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।